आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं एसजी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। पोटकाहाता में गांव गढ़ राज्य परिषद एवं भूमि रक्षा वाहिनी किसान मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध करते हुए पंजाब हरियाणा राजस्थान के किसानों द्वारा जो आंदोलन कर रखे हैं उनका समर्थन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय कृषि कानून को तत्काल रद्द करने की मांग परिषद द्वारा की गई है। साथ ही साथ इनका कहना है कि हम सब कानून के खिलाफ आंदोलनकारी किसान और मजदूरों के साथ हैं, जो इस कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में हम लोगों का समर्थन है। साथ ही साथ परिषद के कुमार चंद्र माडी ने मांग की है कि राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाकर इस कानून को रद्द करें, जिससे किसानों का हित हो सके। जमशेदपुर से शिवशंकर साह की रिपोर्ट। संयुक्त ग्राम सभा के तत्वावधान में और कई जन संगठन के आंदोलनकारी नेताओं के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पावरू हाता में संपन्न हुआ और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग प्रेस को संबोधित किया। केंद्रीय जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी कानून को रद्द करने के लिए हम लोग इस आंदोलन को समर्थन करते हैं। और दिल्ली में जो चल रहा है, पंजाब हरियाणा राजस्थान यूपी के साथ साथ देश के तमाम किसानों के हित में चल रहे आंदोलन को हम लोग समर्थन करते हैं और आंदोलनकारियों के साथ केंद्रीय मोदी सरकार उनसे वार्ता करें और वार्ता करने के पश्चात केंद्रीय कानून को रद्द करें। और ये भी हम लोग मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति से और लोकसभा अध्यक्ष से कि संयुक्त रूप से अधिवेशन लोकसभा का बुलाए और बुला करके इस जन विरोधी कृषि कानून को रद्द करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य कि देश में जो कृषि कानून जन विरोधी बनाया गया है उसके विरोध में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें देश के किसानों के खिलाफ जो भी आज कानून बन के सामने आया तो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, जिसके तहत किसान दिन प्रतिदिन उनका खस्ता हालत होते जा रहा है और जो निजीकरण के माध्यम से उनके जो समर्थन मूल्य है किसानों का वो मिल नहीं पाएगा और पूंजीपतियों के द्वारा मनमर्जी के हिसाब से अपना दाम तय करके और उसको खरीद बिक्री करेगा, जिससे गरीबों का जो आर्थिक स्थिति वो कमजोर होती जाएगी और जो आने वाला 5/12/2020 को पूरे देश में जो एक रैली के माध्यम से, विरोध के माध्यम से पूरे देश में जन विरोधी आंदोलन का हम लोग समर्थन करते हैं। यहाँ पे गांव गणराज्य परिषद, ग्राम सभा और विभिन्न संगठन के जन आंदोलनकारी इस बिल के विरोध में विरोध करते हैं।